अक्टूबर का महीना बीतने को है और देश को ठंड का इंतजार अब भी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना गर्म रहा, लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दिवाली के बाद सर्दी का सितम शुरू होगा, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सर्दी बढ़ेगी और साथ ही नवंबर के मध्य तक कोहरा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें आज के तापमान की, तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान धूप भी हल्की रहेगी और हल्की हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सर्दी चाहे देर से पड़ रही, लेकिन अच्छी पड़ने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने यूटर्न लिया है। लोगों को दिन के साथ साथ रात के समय भी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में हल्की बारिश होने के आसार हैं। 24 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को भी गरज चमक के साथ कई जगहों पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ बीते सोमवार मंगलवार को राजस्थान के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई, तो कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। आज की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है। बता दें कि राजस्थान में धीरे धीरे ठंड ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक दीपावली से पहले ही राजस्थान में लोगों को अच्छी खासी ठंड का सामना करना पड़ सकता है। 23 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। राज्य के कई इलाकों में ठंड का दौर शुरू हो चुका है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। उत्तर भारतीय राज्यों में अब बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही सर्द हवाएं मध्य प्रदेश का रुख करेगी, जिसके बाद कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में दाना तूफान का कहर देखने को मिल सकता है। 24 अक्टूबर को यह तूफान ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने तूफान के लैंडफॉल की जानकारी नहीं दी है। इस तूफान का असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है।